ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। केंद्रीय विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश का पांचवां दीक्षांत समारोह पीजी कॉलेज धर्मशाला के ऑडिटोरियम में मनाया गया। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके शांता कुमार ने इस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की और कार्यक्रम की अध्यक्षता विश्वविद्यालय के कुलाधिपति डॉक्टर हरमोहिंदर सिंह ने की। दीक्षांत समारोह में पहुंचे मुख्य अतिथि शांता कुमार ने 32 छात्र छात्राओं को गोल्ड मेडल तथा 35 छात्र छात्राओं को डायरेक्टर की उपाधि प्रदान की। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर कुलदीप चंद अग्निहोत्री समारोह में आए हुए अतिथियों का स्वागत किया। केंद्रीय विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश का पांचवां दीक्षांत समारोह पीजी कॉलेज धर्मशाला के ऑडिटोरियम में मनाया गया। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके शांता कुमार ने इस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की और कार्यक्रम की अध्यक्षता विश्वविद्यालय के कुलाधिपति डॉक्टर हरमोहिंदर सिंह ने की। दीक्षांत समारोह में पहुंचे मुख्य अतिथि शांता कुमार ने 32 छात्र छात्राओं को गोल्ड मेडल तथा 35 छात्र छात्राओं को डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर कुलदीप चंद अग्निहोत्री समारोह में आए हुए अतिथियों का स्वागत किया और भाषण व विश्वविद्यालय का प्रगति विवरण प्रस्तुत किया। कार्यक्रम में अकेडमिक सत्र 2015-17 और 2016-18 तक के स्नातकोत्तर के 758, स्नातक के 27, डिप्लोमा के 14 छात्र छात्राओं को भी उपाधि प्रदान की गई। पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार ने कहा कि केंद्रीय विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश के उत्कृष्ट शिक्षा लाने के लिए प्रयत्न कर रहा है। संस्थान ने थोड़े से समय में अपना बहुत बढ़िया स्थान बनाया है। मुझे खुशी है कि भविष्य के लिए और भी उत्कृष्ट शिक्षा देने के लिए संस्थान ने आज नए विषय जोड़ने की घोषणा की है। मैं केंद्रीय विश्वविद्यालय प्रशासन को इसके लिए बधाई देता हूँ। शांता कुमार केंद्रीय विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश के पांचवें दीक्षांत समारोह में शिरकत करने के उपरांत पत्रकारों से बातचीत करते हुए बोल रहे थे। शांता कुमार ने कहा कि केंद्रीय विश्वविद्यालय का बन नहीं पाना छात्रों के लिए ही नहीं बल्कि हमारे लिए भी। मुझे इस बात का दुख है कि इतने साल भी भवन नहीं बन सका। मैं इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन यह बहुत बड़ी कमी रही है हिमाचल प्रदेश के नेताओं की। शांता कुमार ने कहा कि अब मुझे लगता है कि इसमें देर नहीं होगी और बहुत जल्द केंद्रीय विश्वविद्यालय भवन का निर्माण कार्य शुरू होगा। सर, केंद्रीय विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह संपन्न हुआ है, क्या संदेश देना चाहेंगे छात्रों को? केंद्रीय विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश में उत्कृष्ट शिक्षा लाने के लिए प्रयत्न कर रहा है। थोड़े से समय के अंदर अपना बहुत बढ़िया स्थान बनाया है और मुझे ये जानकर बहुत प्रसन्नता हुई कि भविष्य के लिए और भी अधिक उत्कृष्ट शिक्षा देने के लिए कुछ नए विषय जोड़ने के लिए आज इन्होंने घोषणा की है। मैं केंद्रीय विश्वविद्यालय की इस बात के लिए बधाई देता हूँ। सर, एक सवाल केंद्रीय विश्वविद्यालय से रिलेटेड है, भवन को लेकर अभी भी जो है छात्रों के मन में चिंता है। छात्रों की चिंता से ज्यादा हमारी चिंता है और मुझे इस बात का बहुत दुख है, इतने वर्ष होने के बाद भवन नहीं बन सका। मैं इसके बारे में कुछ कहना नहीं चाहता, लेकिन ये बहुत बड़ी कमी रही हिमाचल प्रदेश के नेताओं की, लेकिन अब मुझे लगता है इस पर देर नहीं होगी, बहुत जल्दी भवन निर्माण का काम शुरू होगा। धन्यवाद।